दोस्तों, हम सबने सुंदरता के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं खूबसूरती की परिभाषा समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती है। आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनाएंगे जो कि बिल्कुल सच्ची है और आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन जिसका चेहरा आज के मानकों के अनुसार बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। दोस्तों, 19वीं सदी में ईरान में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था जहरा। वो बेहद अमीर परिवार से थी और अपनी शिक्षा और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती थी वो थी उनकी मूछें। जी हाँ, आपने सही सुना, एक राजकुमारी जिसके चेहरे पर मूछें थीं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर मूछों वाली राजकुमारी इतनी लोकप्रिय क्यों थीं? दरअसल उस जमाने में खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा ही नहीं होता था, एक महिला को बुद्धिमान, शिक्षित और साहसी होना भी जरूरी माना जाता था। जहरा इन सभी गुणों से लैस थी। वो अपने समय की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी। उनकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। जब जहरा की शादी हुई तो उनके पति भी एक प्रभावशाली शख्स थे। उन्होंने ईरान पर लंबे समय तक राज किया। जहरा ने कला, साहित्य और समाज सेवा में भी खूब नाम कमाया। दोस्तों, जहरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती। एक इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल, दिमाग और उसके कार्यों में होती है। जहरा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने साबित किया कि खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।